मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं, यानी कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव, और इसके लिए यूपीए और एनडीए ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। जहां एक तरफ यूपीए के कैंडिडेट हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, तो दूसरी तरफ एनडीए ने एक बड़ा दाव खेला है और ये दाव लगाया है द्रौपदी मुर्मू पर। जी हाँ, उनको राष्ट्रपति पद का दावेदार उतारा गया है एनडीए की तरफ से। और यकीन मानिए, इस दाव के बाद जो बीजेपी विरोधी हैं, जो एनडीए विरोधी हैं, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि यशवंत सिन्हा को खुद ही अपना नाम वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा दाव है जिसको कोई भी भेद नहीं पाएगा। यानी कि विरोधी भी ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि कहीं ना कहीं ये बड़ा दाव है एनडीए की तरफ से और मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। अब कौन है ये द्रौपदी मुर्मू जिनको चुना गया है राष्ट्रपति पद के लिए, एनडीए की तरफ से इनको दावेदार बनाया गया है, ये आपको विस्तार से बताते हैं। मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। राज्यों और केंद्र में जिस तरह की स्थितियां हैं उससे एनडीए के उम्मीदवार का राष्ट्रपति बनना लगभग लगभग तय माना जा रहा है। आपको बताते चले, मुर्मू के नाम देश की पहली आदिवासी महिला गवर्नर का तमगा भी है। 2015 से 21 के बीच वो झारखंड की गवर्नर रही। 20 जून 1958 में जन्मी मुर्मू की पढ़ाई लिखाई भुवनेश्वर के रमादेवी विमेंस कॉलेज से हुई। वो स्नातक हैं। उनके पति श्याम चरण मुर्मू इस दुनिया में नहीं है। उनकी एक बेटी है और उस बेटी का नाम इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री का विवाह हो चुका है। 2013 से 15 तक मुर्मू बीजेपी की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही। 2010 में उन्होंने मयूरभंज से बीजेपी की जिला अध्यक्ष की कमान संभाली। 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए उन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006 से 9 के बीच वो बीजेपी की एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही। 2004 से 9 के बीच मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधानसभा सदस्य थी। 2002 से 9 के बीच मुर्मू ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर एसटी मोर्चा की जिम्मेदारी संभाली। 2000 से 2004 के बीच वो ओडिशा सरकार में परिवहन और वाणिज्य विभाग की मंत्री रही हैं। 2002 से 4 के बीच उन्होंने ओडिशा सरकार के पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी संभाली। 1997 से उनका जो एक तरीके से कह लीजिए पॉलिटिकल करियर था वो शुरू हुआ। 1997 में वो पार्षद बनी और रायरंगपुर की वाइस चेयरपर्सन नियुक्त की गई। तो निश्चित तौर पर बहुत स्ट्रांग उनका बैकग्राउंड रहा है, लेकिन ये सब किया उन्होंने अपने दम पर। और इसी चीज को भुनाते हुए एनडीए वाकई में एक बहुत बड़ा दाव चल चुकी है। अब सोचिए, विरोधी ही खुद ये कहने को तैयार हो गए हैं कि यशवंत सिन्हा को अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। विरोधी ही ये मान रहे हैं कि निर्विरोध से वो राष्ट्रपति चुन ली जाएंगी। तो ऐसे में अब और क्या ही कहा जाए। आप बताइए, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? एनडीए ने ये जो दाव चला है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर।